हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेपीएमडी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आपको चैप्टर वन पढ़ा दिया है चैप्टर वन में हम लोगों ने पढ़ाया कि जो फ्रेंड्स सोसाइटी थी उसे तीन स्टेट में बांटा गया था फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट में और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो थे वही गवर्नमेंट चलाते थे और पूरा सोशल और इकोनॉमिकल पावर उन्हीं के पास था यानी कि पूरा सोशल और इकोनॉमिकल पावर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास था इसीलिए थर्ड स्टेट की मांग थी कि इक्वालिटी हो वोटिंग टैक्स में इक्वलिटी हो फ्रीडम मिले मोनार्ची से और इक्वलिटी हो पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इन पॉइंट को भी लिख लेते हैं की मांग क्या थी इक्वालिटी इक्वल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और एक और मांग थी कि फ्रीडम फ्रीडम किससे से से क्षी यानी कि राजा लोग से क्योंकि राजा लोग सारे प्रो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को होल्ड कर बैठे हुए थे और ये थर्ड स्टेट के कारण ही रिवॉल्व हुआ था ये थर्ड स्टेट ने रिवॉल्व किया था और इसके कुछ लीडर्स थे जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे और उसके लिए आप लोग पार्ट वन को देख सकते हैं और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हम लोगों ने फिजिक्स शुरू किया है क्लास टेंथ का तो हम लोग उस पर एक और वीडियो आज रात को डालने जा रहे हैं आप लोग उसे देखिए और फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हंड्रेड प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए अब हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं थर्ड स्टेट ने जब रिवॉल्ट किया और जीता तो उससे क्या क्या चीज आया आइडिया आया जैसे कि फ्रीडम इक्वैलिटी और फ्रैटर्निटी ये ये जो तीनों चीजें ये तीनों चीज पूरे यूरोप में फैलने लगे पूरे यूरोप में ये कहां से आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आए थे फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता इक्वलिटी मतलब समानता फ्लैट नीति मतलब बंधुत्व ये तीनों चीज़ें यूरोप में आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से और अब क्या हुआ अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो इंडस्ट्री बढ़ने लगे रेलवे लाइन बनने लगी बहुत से फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाया जाने लगा तो उससे क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि सारे जो वर्कर्स थे उन वर्कर्स से काम तो कराया जाता था लेकिन उन्हें पगार कम मिलती थी यानी कि सैलरी कम मिलती थी जिससे वो भी भड़क उठे थे और जो वर्कर्स थे वो वो उन्होंने भी सोचा कि अब क्या कर सकते हैं तो उस समय क्या हुआ कि लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे उन्होंने क्या किया वर्कर्स के हेल्प के लिए रिवॉल्व किया तो उस समय क्या होने लगा जो वर्कर्स थे उन्हें लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो पसंद आने लगे थे वर्कर्स को लिबरल्स और रेडिकल्स पसंद आने लगे थे और इन लोगों ने पार्टीज़ भी फॉर्म करना शुरू कर दिया और ये लोगों ने जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे इन्होंने सब जगह बनाया ग्रुप फ्रेंच में इटली में जर्मनी में रसिया में इन सब जगह इन्होंने सोशलिस्ट का ग्रुप बनाना शुरू किया तो इन चारों देश में भी सोशल ग्रुप बनने लगे अब यहां पे मैं आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि हम लोग हमेशा ये चैप्टर में वर्ड सुनते हैं सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट और कंजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो सोशलिस्ट होते थे सोशलिस्ट वो थे जो सोशलिज्म के पास पे चलते थे सोशलिज्म बहुत फेमस हो चुका था पूरे यूरोप में सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद और जो कैपिटलिस्ट होते थे हम इसको नोट कर लेते हैं सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है पूंजीवादी और कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है साम्यवादी हम लोग इसके बारे में बताएंगे आपको क्या क्या होता है ये लोग और कंजर्वेटिव्स क्या थे ये ग्रुप थे आप लोग जानते होंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी में थे चेंज हुआ तो चेंज सोचने वाले भी तीन प्रकार के लोग थे लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स ये इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले हम लोग इसमें का इसका बलबान लेते हैं तो ये थे कि जो लिबरल्स थे वो सोचते थे कि पूरा समाज कैपिटलिस्ट है और ये कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी जिसके पास पूंजी है वो पूंजीवादी है यानी कि जो बिग फैक्ट्री के बजनेस मैन हो गए ये लोग पूंजीवादी थे तो पूरा समाज हमारा जो था फ्रांस का वो कैपिटलिस्ट है ये कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए ये पूरा ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनना चाहिए ये कार ये सोचते थे लिबरल्स के लोग और कार्लमैक्स भी सोचते थे अब हम लोग इसको पढ़ते हैं अलग से लिबरल्स के बारे में सबसे पहले लिबरल्स क्या थे जो लिबरल्स थे वो ऐसा सोचते थे लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी उदारवादी जो लोग थे वो ऐसा समूह चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो यानी कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल्स ये कौन चाहता है ये लिबरल चाहते थे लिबरल सर क्या चाहते थे ऑल रिलीजन्स इक्वल हो यानी कि सारे धर्मों को बराबर सम्मान मिले ऑल रिलीजन्स आर इक्वल यानी कि सारे धर्म बराबर थे अभी हम लोगों ने पता है लिबरल्स का मतलब इसको भी लिख देते दे 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 हैं उदारवादी ऑल रिलीजन्स क्या थे इक्वल थे ऐसा लिबरल्स का कहना था और लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ़ डायनेस्टिक रूलर्स यानी कि ये लोग डायनेस्टिक रूलर्स के खिलाफ थे डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब जो वो राजा जो सारे पावर एक ही राजा के पास यानी कि एक राजा के पास टोटल पावर ना हो इसके भी ये लिबरल्स जो थे इसके पूरा खिलाफ़ थे दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगें द गवर्नमेंट यानी कि वो चाहते थे कि हर एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसका राइट सही सलामत रहे वो गवर्नमेंट छीने नहीं उससे गवर्नमेंट जो थे वो ऐसा लिबरल चाहते थे और फिर वो इसके लिए बहुत आवाज़ भी उठाएं और उन्होंने वेल ट्रेंड जुडिशियरी का ऐसा बोला कि ऐसा एक जुडिशियरी होना चाहिए जिसमें सरकार को नियम बनाने का हक हो लेकिन जनता के विरोध में सरकार ना जाए और लेकिन वे यूनिवर्सल यु, यु, एडल्ट फ्रेंचाइज में भरोसा नहीं करते थे वो ऐसा यू का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार ये नहीं चाहते थे जो लिबरल्स थे ये नहीं चाहते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले और ये ये भी बोलते थे कि वुमेन को तो और भी वोट नहीं दे मिलना चाहिए ये भी ये, ये कहते थे ये कहते थे जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वो वोट देंगे अब हम लोग पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स के बारे में रेडिकल्स रेडिकल्स का मतलब होता है आमूल परिवर्तनवादी आमूल परिवर्तन वादी ये जो लोग थे ये ऐसा सोचते थे ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें किसी भी गवर्नमेंट में मेजर ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बने गवर्नमेंट मेड फ्रॉम मेजर पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन का मेजॉरिटी हो यानी कि ज़्यादा लोग जिस गवर्नमेंट को चाहें वहीं सरकार बने जहाँ पे यानी कि ये भी वोटिंग जैसा ही चाहते थे कि ज़्यादा लोग जिस चीज़ को चाहे वहीं सरकार बने ये ऐसा चाहते थे फिर ये चाहते थे इनमें से बहुत लोगों ने वुमेन यानी कि औरतों का सफरेज मूवमेंट को भी इन्होंने बढ़ावा दिया यानी कि ये चाहते थे कि जो वुमेन है वो भी वोट दें सफरेज मूवमेंट का मतलब होता है मताधिकार आंदोलन मताधिकार आंदोलन ये ऐसा चाहते थे कि महिलाओं को भी वोट देने का पूरा अधिकार मिले फिर ये जो आमूल परिवर्तनवादी थे ये उदारवादी यानी कि लिबरल्स के अपोजिट थे ये कहते थे कि जमींदारों और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी तरह के विशेष अधिकारों के ये खिलाफ़ थे यानी कि ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ जिनके प्रॉपर्टी है वहीं वो वोट दें जिनके प्रॉपर्टी है सिर्फ वहीं वो वोट दें ये ऐसा नहीं चाहते थे ये निजी संपत्ति के पूरे विरोध में थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ये संपत्ति संपत्ति का केंद्रन का भी विरोध जरूर करते थे यानी कि ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे कि कोई कितना भी पैसा रखे बट इस चीज का जरूर विरोध करते थे कि एक ही आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो इसका ये विरोध करते थे अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है रूढ़वादी रूढ़वादी हम लोग पढ़ेंगे रूढ़वादी के बाद में रूढ़वादी कैसे लोग थे ये ये दोनों पक्षों के विरोध में थे रेडिकल हो गए या फिर लिबरल्स हो गए ये इन दोनों के विरोध में थे ये कहते थे कि पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में ये आम तौर पे परिवर्तन जो था उसके विचारों में ये नहीं थे ये नहीं चाहते थे कि परिवर्तन आए समाज में लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में उसके बाद से थोड़ा थोड़ा ये परिवर्तन को एक्सेप्ट करने लगे थे लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं चाहते थे कि बदलाव एकदम जल्दी से हो ये चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो और ये अपने अतीत का सम्मान करते थे अतीत का सम्मान यानी कि ये कहते थे कि हमारा जो पुरानी परंपरा रीति रिवाज है वो ये सब वैसे ही बने रहे अब हम लोग ने लिबरल्स रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ लिया है अब हम लोग ये पूरा वन पॉइंट वन टॉपिक था वन पॉइंट टॉपिक वन हम लोग पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वन पॉइंट टू टॉपिक टॉपिक टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे फ्रांस में औद्योगिक समाज चेंज और परिवर्तन आए ये एक ऐसा समय था जब नए नए इंडस्ट्रीज बनने लगे थे रेलवे भी बड़ा होने लगा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी इसी टाइम हुआ था इसके बाद क्या हुआ लिबरल्स और रेडिकल्स जो ये थे ये पूरे प्रॉपर्टी ऑनर्स और एम्प्लॉयर्स के खिलाफ थे यानी कि जो उदारवादी लोग थे उदारवादी और जो लोग थे रेडिकल्स लोग थे रेडिकल्स थे आमूल परिवर्तन वादी इन्होंने क्या कहा कि नागरिक जो हो अगर नागरिक स्वस्थ हो यानी कि हेल्दी हो पढ़ा लिखा हो तो उसका भरपूर लाभ उठाया जा सकता है और ये लोग क्या ये लोग ऐसा सोचते थे और ये लोग ये भी कहते थे कि जन्मजात मिलने, मिलने वाले अधिकारों के ये लोग पूरा विरोध में थे जन्मजात मिलने वाले अधिकारों के विरोध में थे और इन लोगों का कहना था कि विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक तो काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है और उसी समय क्या हुआ कि फ्रांस इटली जर्मनी रसिया सब जगह फ्रांस इटली जर्मनी और रूस सब जगह रिवॉल्ट होने लगे इन सब जगह पे रिवॉल्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब साम्यवादी समाज मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों को ही होगी यानी कि जो लेबर होंगे वहीं ही जीतेंगे और वे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे और फ्यूचर में कम्युनिस्ट सोसाइटी साम्यवादी सोसाइटी का ही मेन वर्चस्व रहेगा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वन टॉपिक वन में क्या है समाजवाद का समर्थन समाजवाद के लिए समर्थन सपोर्ट फॉर सोशलिज्म अब क्या हुआ 1870 आ गया 1870 में क्या हुआ था सोशलिज्म के आइडिया पूरे यूरोप में तो फैल चुके थे अब यहां पे इन लोगों ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई इंटरनेशनल बॉडी इस इंटरनेशनल बॉडी का नाम इन्होंने क्या रखा सेकेंड इंटरनेशनल सेकेंड इंटरनेशनल क्या रखा इन्होंने सेकेंड इंटरनेशनल इंटर स्पेलिंग थोड़ा एरर हो गया सेकेंड इंटरनेशनल और ये जो पार्टी थी ये सपोर्टेड सोशलिज्म ये सोशलिज्म का सपोर्ट करती थी सोशलिज्म मतलब समाजवाद यानी कि यह समाजवाद का समर्थन में थी अब इसी के थ्रू जर्मनी में ब्रिटेन में फ्रांस में सब जगह पार्टियां बनी जर्मनी में बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि सामाजिक डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेट हमारा देश अभी डेमोक्रेटिक है ब्रिटेन यहाँ पे बनी लेबर पार्टी और फ्रांस में क्या बनी थी सोशलिस्ट पार्टी बनी थी फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रिटेन में लेबर पार्टी फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी ये सब जगह यहाँ इन लोगों ने सोशलिज्म का प्रचार किया लेकिन ये सब सफल कहाँ हुआ सिर्फ रशिया में रसिया में ही सिर्फ सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन पाया अब हम लोग के मन में ये सवाल होगा कि सिर्फ रशिया में ही क्यों सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा हाउ वाज द सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन रसिया हाउ वाज द रिवॉल्यूशन इन रशिया हाउ वाज मोनारसी गवर्नमेंट रिमूव्ड इसका मतलब हुआ कि कैसे वहाँ से मोनारसी गवर्नमेंट का हटा राजा का और वहाँ पर कैसी क्रांति हुई ये सब हम जानने के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा उन्नीस सौ में उन्नीस सौ में क्या हुआ जार निकोलस जार निकोलस जो द्वितीय था ये राजा बन गया क्या बना किंग बना कहाँ का रसिया का ये रसिया का राजा बना रसिया में बहुत सारे थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट मुस्लिम बुद्धिस्ट और कैथोलिक्स लेकिन इन सब में मेजर मेजर रिलीज रशियन का, का कौन से थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ये क्या था ये एक मेजर रिलीजन था वहाँ का इधर सारे रिलीजन थे लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसी कास्ट इसी धर्म के थे सबसे ज्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रशिया में 85 फाइव परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग लेस इंडस्ट्रीज यहाँ की यानी कि वहाँ पर फैक्ट्रीज बहुत कम थे और जो फैक्ट्रीज थे वो दो जगह पर ही मिल रही थी पीटर्सबर्ग और मॉस्को कहाँ कहाँ थे पीटर्सबर्ग और मॉस्को अब हम ये वहाँ के मेन दो शहर हैं महत्वपूर्ण जहाँ पे नहीं सिर्फ फैक्ट्रीज थे अब हम लोग आते हैं 1890 में 1890 में क्या हुआ रेलवे एक्सपेंड होने लगा यानी कि जो रेलवे थे वे बनने लगे न्यू इंडस्ट्रीज नए नए फैक्ट्रियाँ बनने लगे प्रोडक्शन इंक्रीज यानी कि वहाँ पे अब उत्पादन बढ़ने लगा था 1890 में ये सारे चीज होने लगी थी और फिर भी जो ज़्यादातर लैंड था ज़्यादातर भूमि वो किसके पास थी नोबिलिटी के पास थी और चर्च यानी क्लर्जी के पास थी तो उस समय क्या था जाटर लैंड नोबिलिटी और चर्च के पास थी नोबिलिटी क्या होता है हम लोगों ने आपको चैप्टर वन में बता दिया है चर्च क्लर्जी को ही बोलते हैं ये भी हम लोग आपने चैप्टर वन को बता दिया है आप लोग चैप्टर वन में जाकर देख सकते हैं और हम लोगों ने जो चैप्टर उन्होंने पढ़ाया था उसका हम लोगों ने पी जो है वो भी टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया है और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दी है हम लोग आगे पढ़ते हैं उस समय क्या था बिफोर 1914 यानी कि 1914 से पहले रसिया में पोलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था पोलिटिकल पार्टी इलीगल था यानी कि पोलिटिकल पार्टी वहाँ नहीं हम लोग बना सकते थे लेकिन फिर भी अट्ठारह में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के नाम से एक पार्टी बनी अब वर्कर्स मालूम होता था कि मेन वर्कर्स के लिए है तो हम लोग इसे ये समझ सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण किसके लिए था ये वहाँ के काम करने वाले लेबर्स वर्कर्स मज़दूरों के लिए था और ये कहाँ पे एक्टिव था तो ये अर्बन एरिया में यानी कि शहरी में एक्टिव इन अर्बन एरिया यानी कि ये शहर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ एक और फैक्ट्री बनी उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं अठारह सौ अंठानवे एक पार्टी बनी जो हम लोगों ने बता दिया ये इलीगल थी उसके बाद उन्नीस सौ ईस्वी में भी एक पार्टी बनी सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी ये जो रिवोल्यूशनरी पार्टी थी ये मेनली किसके लिए थी किसान के लिए थी मेनली फॉर पीजेंट्स पीजेंट्स का मतलब क्या होता है किसान होता है मेनली फॉर पीजेंट्स किसानों के लिए थी और ये कहाँ एक्टिव थी ये थी रूरल एरिया में यानी कि गाँव में एक्टिव थी एक्टिव इन रूरल एरिया और वो एक और जो पार्टी बनी थी वो कहाँ एक्टिव थी शहर में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी उसके बाद क्या हुआ 1903 में जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये दो भागों में बट गई क्या क्या भाग में एक बन गई बोलसेविक्स बोलसेविक्स और एक बन गई मेनसेविक्स बोल्सेविक्स में कौन आते बोलसेविक्स का मेन नेता कौन था व्लादिमीर लेनिन व्लादिमीर लेनिन बोल्सेविक्स का मेन नेता कौन था व्लादिमीर लेनिन और मेन का कौन था जूलियस मर्टो कौन था जूलियस मर्टो और ये जो बोल्सेविक्स थी ये डिसिप्लिन पार्टी थी यानी कि इसमें क्या था व्लादिमीर लेनिन चाहते थे वैसे ही लोग हो जो कि हमारे रूलों को फॉलो करें वहीं इसमें नियम को फॉलो करने वाला है और ये जो जूलियस मार्टो थी ये सब के लिए खुली हुई पार्टी थी ओपन फॉर एवरी ये चाहते थे कि कोई भी लोग यहाँ की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं आपको बता दिया कि दो पार्टियों में बटी थी बोल से मेन से उसके नेता हम लोगों ने आपको बता दिए और हम आपको बताएंगे जार निकोलस के बारे में जार निकोलस टू जो जार निकोलस टू था ये क्या करता था नो पार्लियामेंट यानी कि ये पार्लियामेंट का कोई इज्जत नहीं करता था यानी कि ये कहता था कि कोई पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए पूरा डिसीजन मैं ही लूँगा जो डिसीजन है मैं ही लूंगा इस वजह से लोग इसके खिलाफ चले गए थे उसके बाद क्या हुआ जो जार निकोलस है उस समय रसिया और जापान में युद्ध चल रहा था इस युद्ध में भी ये बुरी तरह हार गया था बहुत बुरी तरह ये हार गया था और ये हारा एक बार और ये लड़ने गया फिर ये हार गया अब इतना बार ये लड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा का लॉस होगा और पैसा लॉस होगा तो इसको टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे टैक्स क्यों बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि तो पैसा कम है तो उसके बाद क्या किया सरकार ने टैक्स बढ़ाया सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो सारे लोग इसके विद्रोह में चले गए विद्रोह में एक कौन था एक फादर गैपोन थे फादर गैपोन एक फादर गैपोन ने एक विद्रोह कराया जो कि जार निकोलस के खिलाफ था तो उस विद्रोह में क्या हुआ सौ लोग से ज़्यादा लोग को मार दिया गया सौ मेन सौ मेन किल्ड यानी कि सौ लोग से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया और तीन सौ ज़्यादा लोग बेघर और घायल हो गए थे ये ऐसा जार निकोलस ने कराया अब लोग इससे क्या हुआ लोगों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया और लोगों ने इसके खिलाफ़ विद्रोह करने की सोची इससे क्या हुआ लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने इसके खिलाफ़ विद्रोह करने की सोची ये इतने लोगों का दिक्कत हुआ और इससे बहुत ज़्यादा लोग भड़क चुके थे प्राइस बढ़ने लगे दूसरी ओर प्राइस भी बढ़ने लगे तो लोगों का गुस्सा भड़कते गया भड़कते गया इतना भड़का कि वर्कर्स डॉक्टर इंजीनियर लॉयर ये सभी लोग ने समूह बनाया शुरू किया यूनियन और ये यूनियन इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में बनाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्म में इन्होंने एक यूनियन बनाया और इन लोगों ने साथ जाकर जब बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब संविधानिक सभा यानी कि इन लोगों ने एक संविधानिक सभा जैसा बनाया और ये लोग साथ गए जार निकोलस के पास तो जार निकोलस को भी थोड़ा सा लगा कि कहीं मेरा गिर ना जाए राजपाट तो इसने क्या कहा ड्यूमा बनाने की परमिशन दे दी इसने क्या कहा अब ड्यूमा बनेगा और मैं ड्यूमा से पूछ ही सारे डिसीजन लूँगा लेकिन फिर इसने क्या किया जो पहला ड्यूमा था उसको इसने फर्स्ट ड्यूमा जो पहला ड्यूमा बना ये ड्यूमा क्या होता है ये एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है इलेक्टेड पार्लियामेंट यानी कि चुना गया एक संघ जो डिसीजन लेने मैंने राजा का महत्व का फर्स्ट ड्यूमा को राजा ने पचहत्तर दिन में ही डिसमिस कर दिया फिर सेकेंड ड्यूमा बनाया सेकेंड ड्यूमा को भी राजा ने डिसमिस कर दिया अब लोग और ज्यादा विरोध में थे बहुत विरोध में थे उसके बाद क्या हुआ जो लिबरल्स थे और रिवोल्यूशनरीज थे इन सब ने वोटिंग लॉज को चेंज करने के लिए कहा लिबरल्स जो कि उदारवादी लोग थे और रिवोल्यूशनरीज इन्होंने क्या कहा वोटिंग लॉज रिवोल्यूशन्स मतलब क्रांतिकारी वोटिंग लॉज इन सब ने कहा कि वोटिंग लॉज चेंज होना चाहिए यानी कि वोटिंग लॉज को बदलना चाहिए अब वोटिंग लॉज को क्यों बदलना चाहिए इसके बाद अब क्या होने वाला है ये हम लोग आपको बताएंगे पार्ट टू में इसके हम लोगों ने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा आप लोग वीडियो को पीछे कर दे सकते हैं और हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है और हम लोग अब क्लास टेंथ की फिजिक्स पर वीडियोज डालने वाले हैं और हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग जाके देख सकते हैं और चैप्टर वन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हम लोग की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद